You guys, this is Shivali and I welcome you all to our channel Shivali Vines. So, आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक न्यू एनिमे फिल्म का जिसका नाम है वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप। ये एक जापानीज एनिमेटेड स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे प्रोड्यूस किया है सब्लिमेशन एंड सिग्नल डॉट एम डी ने। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्योही इशिगुरु ने, स्क्रिप्ट लिखी है डाय सातो ने, म्यूजिक बाय कैंसुकी उशियो एंड कैरेक्टर डिजाइन बाय युकी को एकई, और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.9 out of 10। इसे सबसे पहले प्रीमियर किया गया था 2020 में एट शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और जापानीज थिएटर्स में रिलीज किया गया था जुलाई 22, 2021 को, और हाँ वर्ल्ड वाइड भी इसे नेटफ्लिक्स पर सेम डे रिलीज कर दिया गया था। वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप, जैसे कि इस एनिमे फिल्म का नाम है, वर्ड्स और म्यूजिक यही दोनों चीजें दो लोगों को आपस में जोड़ती हैं। चेरी जो एक लड़का है और जिसे लोगों से बात करना नहीं आता, और स्माइल जो कि एक लड़की है और हर वक्त मास्क के पीछे छिपी रहती है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। ये दोनों आपस में एक मॉल में मिलते हैं। चेरी हमेशा हेडफोन्स पहने रहता है, इसलिए नहीं कि उसे म्यूजिक सुनना पसंद है, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। इसी वजह से वो उन फीलिंग्स को अपनी जापानीज हाइकू पोएम्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है, जबकि स्माइल जो कि हमेशा ही एक मास्क पहनती है और अपने बड़े आगे के दांत छिपाने के लिए जिन पर उसने डेंटल ब्रेसेस पहने होते हैं, वो एक पॉपुलर वीडियो स्टार है और क्यूटनेस की तलाश में वीडियो स्ट्रीम करती है। वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप की सबसे खास बात है इसके विजुअल्स, जो कि हेविली इंस्पायर्ड हैं बाय पॉप आर्ट। शायद यही वजह है कि चेरी के अनकहे वर्ड्स, स्टोरी के रोमांचक कैरेक्टर्स और पॉप आर्ट से इंस्पायर्ड होकर हमारे दिल की धड़कनों को सोडा की तरह बबल अप कर देते हैं। हाँ हाँ जानती हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही गहराई में चली गई थी। सो, वापस आते हैं इसके रिव्यू पर। इस एनिमे फिल्म में ब्राइट कलर्स का यूज किया गया है जो बहुत ही अपीलिंग है और आपको लाइवली फील कराता है। The opening sequence is an absolute delight of fun character animation coupled with energetic gags and action. मुझे तो ये शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही charming लगी और interesting भी। इस anime film के art style के साथ साथ इसके characters थे जिन्होंने मुझे इसकी storyline की तरफ attract किया। एक तरफ confidence की कमी, मगर poetry में superb cherry को दिखाया गया, जबकि दूसरी तरफ smile को जो मास्क पहनने के बाद कॉन्फिडेंट थी, स्पेशली उसकी इसी क्वालिटी की वजह से स्माइल ने मेरे दिल को छू लिया। दूसरी चीज जो मुझे इन कैरेक्टर्स के बारे में पसंद आई वो थी इनकी मन में रेस्पेक्ट सीनियर सिटीजन के लिए। इस कहानी का प्लॉट सेंटर्ड है एक विनाइल रिकॉर्ड की खोज पर, जिसमें मिस्टर फ्यूजियामा की डेड वाइफ को दिखाया गया है। यहाँ पर ये स्टोरी हार्ट टचिंग बन जाती है जब मिस्टर फ्यूजियामा अपनी वाइफ को याद करते हैं, और चेरी और स्माइल की तरह हम भी उनकी फीलिंग से खुद को रिलेटेड महसूस करते हैं। और उसके बाद स्टार्ट होता है रियल मिशन, उस रिकॉर्ड को ढूंढने का, जिसमें एक पुराना म्यूजिकल स्टोर दिखाया जाता है जो कि एक रिमार्केबल पीस ऑफ वर्क है। इस एनिमे फिल्म में हाइकू पोएट्री के साथ साथ हिप हॉप का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और वोकल परफॉर्मेंसेस के साथ साथ इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी प्रेज़वर्दी है। जैसे कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्योही इशिगुरो ने, जिन्होंने एक म्यूजिक थीम्ड टीन लव स्टोरी योर लाई इन अप्रैल को भी डायरेक्ट किया है, तो स्वाभाविक ही है कि इसका म्यूजिक कैसे फिल्म के कैरेक्टर्स और उनकी लाइफ्स को रिफ्लेक्ट करता है। इस एनिमे फिल्म को देखने में आपको जरूर बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इस फिल्म में चार्मिंग विजुअल्स एंड कैरेक्टर्स के साथ साथ यूनिक ब्लेंड ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट म्यूजिकल स्टाइल्स भी है। चाहे इस मूवी की स्टोरी हो या एनिमेशन, आर्ट हो या म्यूजिक, सभी कुछ इम्प्रेसिव है। आप स्टार्टिंग से ही कॉमेडी के साथ साथ रोमांस, फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जुड़ जाते हो और एकदम रेडी हो जाते हो मिस्टर फ्यूजियामा की डेड वाइफ का रिकॉर्ड ढूंढने के लिए। अब चेरी और स्माइल को वो रिकॉर्ड मिलता है या नहीं, वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं, ये सब पता करने के लिए तो आपको खुद ही मूवी देखनी पड़ेगी। बट हाँ, मैं इतना एश्योर जरूर कर सकती हूँ कि इस एनिमे फिल्म को देखने के बाद आप सैड बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, जो आप लोगों को पक्का स्माइल कराने वाले हैं। सो स्माइल। अरे रुकिए, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आपको हमारे चैनल पर कुछ एक्स्ट्रा ही मिलता है, तो आप लोगों को थोड़ा और स्माइल कराने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली लाए हैं ऑन 25 दिसंबर 2021
Yani, on Christmas Eve, anime movie Words Bubble Up Like Soda Pop in Hindi Dubbed on channel Shivali Vines. To tayyar rahiyega Cherry aur Smile ko dekhne ke liye. Cherry aur Smile ki tarah hum logon ko bhi besabri se aapka intezar rahega. To milte hain ab 25 December ko aur saath mein is movie ko enjoy karte hain. Tab tak ke liye sayonara. Bye bye. Take care. Aur haan, please hamare channel ko like, subscribe and share karna mat bhulega.